नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को अगले 24 घंटे के बारे में एक बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगले 24 घंटे में आपके जीवन में कई तीन बड़े सहयोग मिलने वाले हैं। इस समय दोस्तों आपको सोच विचार नहीं करना है, ज़्यादा सोच विचार करोगे दोस्तों तो ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगले 24 घंटे में कई परेशानियां भी आपके गले पड़ सकती हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको कई मशक्कत लगानी पड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ ऐसे बड़े ग्रह गोचर के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, जो कि दोस्तों अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूँ, ग्रह गोचर काफ़ी प्रभावशाली है, जो कि आने वाले अगले 48 घंटे में आपकी व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए व अन्य सभी क्षेत्रों के लिए कौन कौन से बदलाव अगले 24 घंटे में होने वाले हैं और कौन कौन सी खुशियाँ मिलेंगी, क्या क्या विशेष तौर पर सावधानी बरतनी होगी, अगले 24 घंटे कौन सा क्षेत्र आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे ज़रूर लगा लें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपके जीवन काल के लिए कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोग आपकी छवि को नुकसान पहुँचा सकते हैं और आप लोगों के सामने बेइज्जती भी महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको बहुत परेशानी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा चिंताएं सता सकती हैं। जीवन काल में दोस्तों ये परिवर्तन गहरे लाभ देने वाले हैं और आपको बता दें, ये परिवर्तन आपके जीवन काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको चारों दिशाओं से लाभ मिलने वाला है। वह दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें कि वाहन, भूमि, क्रय विक्रय से आपको आर्थिक लाभ होगा, आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पारिवारिक जीवन में भी आपकी खुशहाली आने वाली है, आपके अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। इस समय में दोस्तों आप किसी कार्य में सफलता पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय में आपका कार्य पूर्ण होगा, जिससे आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा। दोस्तों इस समय आपको कुछ खास सावधानियां भी रखनी होंगी, जैसे कि आपको एकदम से बाहर नहीं जाना है, पहले भगवान का आशीर्वाद लेना है, उसके बाद ही बाहर जाइए। लोगों की नज़र में यदि आप चढ़ते रहते हैं, आपका काम होते होते बिगड़ जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है। बस आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगले 24 घंटे में किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होने वाले हैं और दोस्तों ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको भूल करके भी नहीं करने चाहिए। कार्य व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। व्यवसायिक क्षेत्रों में भी मन के अनुकूल लाभ होने का हर्ष उल्लास मिलेगा। दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति पूरे प्रचार से अधिक होने वाली है। काम धंधे के समय में भी व्यापार में ग्रह की चहल पहल होने से बिक्री आज आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। वहीं दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े कार्यों में भी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है व दोस्तों बिक्री भी बढ़ती हुई दिख रही है। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं, आप अपने काम से बाहर यदि आना चाहते हैं तो आज के दिन कोई अच्छी खबर आपका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों अपने आसपास की ऊर्जा में बदलाव करने की आवश्यकता है। मन को प्रसन्नताजनक कामों से मिलती है, उन कार्यों पर ध्यान बनाए रखना होगा। भागीदारी में काम करते समय अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझने की आवश्यकता है। दोस्तों व्यस्तता की वजह से जीवन में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं अगले 24 घंटे की समय अवधि में निजी संबंधों में मजबूती आएगी। बड़ों की सलाह मानने से सही मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। शुभ कार्यों में निवेश करने से मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों पड़ोसियों से चल रहा झगड़ा दूर होगा,
अगर दूसरे आपका सम्मान करते हैं तो आपको भी उनका सम्मान करना होगा। किसी अपने की आशंका से मन में भय तनाव हो सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तथा आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, जिससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपनी योग्यता पर गर्व होगा, कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। विद्यार्थियों का ध्यान अपने पढ़ाई के प्रति एकाग्र रहेगा तथा समय का पूरा ध्यान रखें। समय समय पर अपने कार्य को पूरा करते जाएं। ध्यान रखें, आपकी कटुवाणी व गुस्सा आपकी योजना पर पानी फेर सकता है। व्यवसाय में विस्तार संबंधी जो योजनाएं बनाई हैं उस पर अमल करने का उचित समय है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम करने से बचें। जीवन साथी के साथ छोटी सी बात पर नोकझोंक हो सकती है। संबंधों में तनाव ना आने दें। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर बनेगा तथा आज आप जिद्दीपन के प्रति अपना स्वाभाविक झुकाव महसूस करेंगे। लेकिन जब ये अनुभव होगा कि ऐसा करना आपके हित में नहीं है तो आप बहुत ही असहज महसूस करेंगे। अच्छे से स्थिति समझें। आकस्मिक भावनाओं के अभाव में आने का प्रभाव अपने ऊपर ना डालने दें। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो समाधान जल्दी मिलेगा व आपको जल्दी खुशी भी मिलेगी। आज के दिन कोई नया स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम पूरा करने के लिए अच्छा है। अपने खाने का विशेष ध्यान रखें और आज से नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू करें, जिसकी आप हाल फिलहाल में अपेक्षा करते आ रही हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि अच्छी मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ शरीर का होना बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। ज्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन काल आपका बड़े ही अच्छी तरह से और बड़े ही धीरे धीरे बदलने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं तो उसे होने दीजिए। बीच में बिल्कुल भी रोक टोक मत करिए, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता देते हैं कि नया कार्य करने के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो ये अच्छा रहेगा। आप दोस्तों मंदाग और मेहनती हैं, यहाँ तक कि आपके मालिक आपकी बात और परेशानी को समझते हैं, इसलिए आप ईमानदार रहें और हमेशा की तरह काम करते रहें। लाभ बनाने के लिए आपको विदेश में किसी के साथ में साझा काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आ सकती हैं। पारिवारिक लोगों के साथ में खुश समय व्यतीत होगा। समय इसके साथ ही दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में अच्छे सुविचार बने रहेंगे। आपको इस समय अपने खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना चाहिए, इससे सारी ऊर्जा और फुर्ती भी बनी रहेगी तथा दो अलग बातों में अति रहने से चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपनी क्षमताएं और अपेक्षाएं इच्छाएं पूरे करने पर जुड़े रहें। पारिवारिक शुभ योग भी मिलने वाले हैं आज के दिन। दोस्तों, आपका भाग्य अच्छा रहेगा। दोस्तों, जहां पर आप ना जाएं उस कार्य को किसी को भी ना दें। अपने ही आंखों के सामने आपको हर कार्य करने की आवश्यकता है, तो दोस्तों इनसे आपके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और आने वाले समय में आपके हाथों तो कोई भी गलतियां नहीं होगी और आपका जीवन बहुत ही सफल रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी को अपने जीवन काल में इन चार चीज़ों से मुँह मोड़ना होगा। और दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि इसके साथ ही आपके लिए समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप अपना बजट संतुलित रखने में असफल नहीं है तो आपको उसके लिए थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित कोई रुकावट दूर होने से उन्हें राहत भी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, इस समय किसी बनते कार्य में परेशानी अथवा रुकावटें आने में कुछ समय आप जो है मायूसी में रह सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको भी अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी की वजह से शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करें और दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही इस समय आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि बीते समय में आपके स्वभाव का लोगों ने जो भी फायदा उठाया था उसके प्रति रोष बढ़ सकता है और इन घटनाओं के लिए दोस्तों कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। पुराने मित्र के साथ में अचानक हुई मुलाकात भी आपको इस समय आनंद देने वाली है। और इसके साथ ही दोस्तों, इस समय आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ने वाला है। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण आपकी छवि को बेहतर बनाकर रखेगा। इसके साथ ही दोस्तों, दिनचर्या से उबाव होकर इस समय आप अपना अधिकतर समय अपने परिवार वालों के साथ में बिताएं, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आपको कुछ समय मेडिटेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप पे बन रहे मानसिक तनाव के कारण आप अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे।
और ना ही किसी बात पर पूरी तरह आप अपना ध्यान दे पाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।